वो केवल एक प्राध्यापक नहीं थे, केवल एक कवि नहीं थे, वे चिंतक भी थे। तो इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, जो किया वो भी बताते रहे कि हम मंच के प्रति सिरसा शहर के बहुत ही मन्ने प्रबन्ने साहित्यकार लेखक मेरे सामने तो इंजा लगता है कि बहुत बड़ा सूरज बैठा है और मैं एक दीवा लेके खड़ा हूँ। कोशिश करता हाँ बोलने की, कोशिश करता हाँ कुछ सोचने की। कभी ने कहा कि मैं नहीं जाना थाने थाने वाले लुट लेंगे, चोर फिर भी हथ नहीं आना। निश्चित तौर पर सच्चाई को बयान करने की कविता है उन्होंने, जिथे हड़ताल के कैद हो गई थी और बैरक रखा गया से उत्थे वह चोर बैठा मिल गया। क्योंकि
जिस व्यक्ति को जीते जी मैं नहीं जान पाई उसको आज के क्षण में जान पाई, ऐसा कुछ एहसास होने लगा है। कौन कहता है कवि मरता है? और यही बात इसलिए नहीं कि मैं एक अध्यापक हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि अध्यापक भी कभी नहीं मरता। नाम भूल जाते हैं लेकिन विचार हमेशा रहते हैं। बड़ी अच्छी एक पंक्ति है फिल्मी गाने की, कविता है वो भी। प्यार है एक निशान कदमों का जो मुसाफिर के बाद रहता है। आज हम यहाँ पर जो भी बैठे हैं सब उस प्यार से खिंचे हुए हैं। किसी को किसी व्यक्ति से प्यार था, किसी को हिंदी साहित्य से प्यार है, तो कोई ना कोई प्रेम है हमारे मन में जो हमें यहाँ इस सभागार में खींच के लाया है। और जब मैं इस सभागार में आई थी तो ये पौआ था। मैं टेकचंद शर्मा जी की भाषा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि एक जगह वो मैखाने की बात भी करते हैं, तो एक पौआ था, अब पूरा हो गया है, आता भी नहीं। तो वो प्यार हमें खींच के यहाँ लाया है और वो प्यार ही है जो आज हमारे सबके मन में बसा हुआ है। और ये प्यार केवल एक सीमा में बंधा हुआ नहीं है, ना तो ये समय की सीमा से बनता है, ना भाषा की सीमा से बनता है, ना सब जगह की सीमा। एक धागा है, एक सूत्र है जो हम सबको बांधता है। अगर हम धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा और राष्ट्रीयता के नाम पर हम अपने आप को संकुचित दायरों में बांटते हैं तो हम राष्ट्र नहीं बनते हैं, हम उस राष्ट्र को तोड़ते हैं। इसलिए इन सभी कविताओं में जो मुखर होकर बात आ रही है वह एक राष्ट्र को पुनर्परिभाषित करने की भी है। उसी की दुनिया से कोसों दूर, मतलब के संसार से परे, प्रोफेसर टेकचंद शर्मा जी को याद किया है। वो मेरे मामा जी नहीं थे, बल्कि जब मैं गवर्नमेंट सर्विस में आया तो मेरे गाइड के रूप में उन्होंने मेरे को जो बातें बताई उनका मैं अभी अनुसरण कर रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरे दोस्त जितने भी हम सर्विस में थे उनके पास जाते कि हमारी ये ड्यूटी आई है, अब हम क्या करें, तो हमें समझाते थे कि इस तरह करो, इस तरह करो। दो दोस्तों की कथा है फुलते कन्ना। एक दोस्त से इतराज आता है कि मैं तो बहुत सोना हूँ, मेरे को तो बड़ी दुनिया सलाम करती है, और दूसरा दोस्त उसको समझाता है कि ये चापलूसों की दुनिया है, इसमें एक बार जब आपका रस ले लेंगे ना ये, उसके बाद आपका कोई नहीं है। तो फुल और कन्ना, फुल क्या कहता है एक कंडे को, कोई फुल एक कंडे नु बोल उठा, कोई फुल एक कंडे नु बोल उठा, परा नाल तेरे मेरा मेल की है। एक फुल एक कंडे नु बोल उठा कि परा नाल तेरे मेरा मेल की है, तेरा काम है चुभना, तेरा काम है चुभना ते पीड़ देना, तू की जाने ये प्यार दा खेल की है, तू की जाने ये प्यार दा खेल की है। तैनू नफरत दे नाल सब देख दे, तैनू नफरत दे नाल सब देख दे ने, मैनू सबे जहान विच जान दे, तैनू दूरों ही करन सलाम लोकी। कंडे नू फुल कहना है कि तैनू दूरों ही करन सलाम लोकी, मेरे कोलो हस के आम दे। हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हंसी है, हर एक पल मेरी जवानी है, हर एक पल का मैं शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हंसी है, हर एक पल मेरी जवानी है, मैं हर एक पल का शायर हूँ। रिश्तों का
यादें खत्म नहीं होती। कॉलेज में मैं इतना संकोची था कि कभी बोला नहीं, कभी भी नहीं। शर्मा जी ने एक बार कहा कि संस्कृत श्लोकोच्चारण प्रतियोगिता हो रही है और तुम्हें इसमें हिस्सा लेना है। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें पीटूंगा अगर नहीं लोगे। तो मैंने हिस्सा लिया और फर्स्ट आया और उसके बाद बोलने का सिलसिला शुरू हुआ। आज दुनिया में कहीं नहीं है तानाशाही और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेड़े स्वतंत्र हैं किसी भी भेड़िए को अपना शासक चुनने के लिए। एक बहुत छोटी बस मैं उसके बाद जाता हूं कि रफ्ता रफ्ता आंखों में बसती है एक नदी, रफ्ता रफ्ता आंखों में बसती है एक नदी, फिर कतरा कतरा आंखों से रिश्ती है उम्र भर। धन्यवाद। नाल मेरा वास्ता करीब करीब 1974 तो लैके उन्होंने आखिरी साह तक रहा। नज़दीक को उन्होंने देखिया बचिया, मेरे मन में उन्होंने प्रति अपने टीचर वर्गा रिस्पैक्ट सी और हर चीज़ नूं बड़ी संजीदगी नाल देखते सन, विचरते सन, दम और फरेब तो दूर रहते सन, सच्चाई का दम पकड़।